आपको एक एक राज की बात बताऊं, मैं कुछ दिन से बहुत सोच रहा हूं क्योंकि मेरे पीछे बहुत पड़े हुए हैं। आपको आपके पीछे कोई यदि ईर्ष्या कर रहा है, निंदा कर रहा है, कोई आपके पीछे पड़ जाए ना, कुछ नहीं करना है। वो जब भी मिले तो आप हंसते रहो, आप बस मौज में रहो, आनंद में रहो, वो तो ऐसे ही जलकर राख हो जाएगा कि यार मैं इतना प्लान कर रहा हूँ, इसके पीछे इतना कुछ कर रहा हूँ, इसको तो कुछ नहीं हो रहा है। कृष्ण से सीखने लायक गुण है, कृष्ण कुछ नहीं करते, बस हंसते रहते थे, मंद मंद मुस्कुराते थे और कंस असुरों को भेजते थे, यार इतने खूंखार बनकर हम लोग आते हैं और इसको पेट में पानी भी नहीं हिलता है, वो हंसते रहते हैं, आधे तो ऐसे ही मर जाते थे। तो आनंद में रहिए, प्रसन्न रहिए। तो इस प्रकार से कृष्ण सच्चित और आनंद घन है। तो किसी ने कहा सत्यव्रत जी ये तो तत्व की बात हुई, ऐसे दिखने में कैसे हैं? ये तो तत्व से कृष्ण का शरीर सच्चित आनंद से बना है, लेकिन ऐसे उसकी मूर्ति कैसी है, देखने में कैसे हैं? तब सत्यव्रत मुनि कहते हैं लसत कुंडलम को ले ब्रजमानम। अब पूछा गया कृष्ण दिखने में उसकी सुंदरता कैसी है, तो कहते हैं लसत कुंडलम। ये कोई बात हुई, कुंडल माने कानों में पहने वाले ईयरिंग। कैसी सुंदरता है, तो कहते हैं कृष्ण के कानों में जो कुंडल है वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब ये कवि की बहुत सुंदर रचना है भक्तों, सत्यव्रत की। इसका भाव क्या है, कृष्ण की सुंदरता कैसे व्यक्त कर रहे हैं कि बोले कृष्ण के कानों में जो कुंडल है, मकराकृत कुंडल है, मछली के आकार के कुंडल, और सूर्य का प्रकाश जब आता है तो चेहरे पर उसका रिफ्लेक्शन आता है, बहुत सुंदरता होती है। लेकिन कहना ये चाहते हैं कि कृष्ण के कानों में कुंडल बहुत सुंदर लग रहा है, कारण यह है कि वह कुंडल कृष्ण के कानों में है, है? हमारा क्या है ना, हम ये सोना गहना ये कपड़े ये सब आभूषण पहनते हैं तब हमारी सुंदरता बढ़ती है। ये सब आभूषण निकाल कर रोड पर जाओ, लोग भाग जाएंगे, भूत कहाँ से आया, भागो भागो यहाँ से। ये आभूषण जब हम पहनते हैं तब हमारी शोभा बढ़ती है, लेकिन कृष्ण के केस में ऐसा नहीं है। कृष्ण जब आभूषण धारण करते तो कृष्ण की शोभा नहीं, उस आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि भूषण भूषणांगम, कृष्ण जो है वो आभूषणों के भी आभूषण है। आभूषण पहनने से हम सुंदर लगते हैं, लेकिन आभूषण जब कृष्ण के ऊपर आते हैं तो कृष्ण नहीं वो आभूषण की शोभा बढ़ जाती है। मुझे आपसे इतना ही कहना है, एक छोटा सा ईयरिंग कुंडल कृष्ण के कान में क्या आ गया, भागवत में स्थान पा गया है। कृष्ण की टच में एक निर्जीव वस्तु आ गई, वो भागवत में स्थान पा गई। हम और आप भक्ति करके यदि कृष्ण के निकट आ जाएंगे तो दुनिया में सितारा चमक जाएगा, पूरी दुनिया में छा जाओगे। सत्य बात है, मेरी बात ले लीजिए और सबको छोड़ो, हम क्या थे, एक गली में रहते, कौन जानता था, लेकिन ये भागवत क्या बोलने लगे। दुनिया में ऐसा एक देश बाकी नहीं है जहां जाकर हम भागवत कथा न किए हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ यार नाटक कर रहा हूँ, भक्ति भक्ति कुछ है नहीं, ड्रामा कर रहा हूँ तो इतना हो रहा है, जिस दिन ओरिजिनल भक्ति करूँगा उस दिन तो न जाने क्या होने लगेगा है? अभी तो भक्ति शुरू भी नहीं हुई तो ये स्थिति है पूरे विश्व में, सब जगह पर जहाँ जाते वहाँ लोग प्रेम देते हैं, प्रेम से बुलाते हैं, कथा सुनते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर, हम तो क्या है ना, हम तो 10वीं में 36% लाकर मुश्किल से पास हुए थे, लेकिन हम भी आश्चर्य कर जाते हैं। कई 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 जगह पर जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर आकर बैठते हैं, इंजीनियर आकर बैठते हैं, कहते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हजारों का इलाज करते हैं, लेकिन हम आपके पास हमारे मन का इलाज कराने के लिए आते हैं महाराज। कहने का अर्थ यह है भक्तों कि थोड़ा सा भगवान से संपर्क हो गया, ये कुंडल, एक कुंडल का कृष्ण के कान में आ गया तो उसकी शोभा बढ़ गई। हम और आप यदि भगवान से संपर्क साधेंगे हमारी शोभा भी बढ़ जाएगी। वास्तव में हमारी शोभा भगवान से जुड़ने में है।
ईश्वर से जुड़ने में हमारी शोभा है। नहीं तो प्रभुपाद दृष्टांत देते हैं कि एरोप्लेन होता है, फ्लाइट प्लेन, उसमें नट बोल्ट लगते हैं। जब तक वह नट बोल्ट प्लेन के साथ जुड़ा हुआ है तब तक तो वह करोड़ों का है और वह उड़ेगा, यहां से वहां पूरी दुनिया में घूमेगा। लेकिन वह बोल्ट प्लेन से अलग हो गया तो उसकी 50 पैसे की भी वैल्यू नहीं है। हम और आप जब तक कृष्ण से जुड़े हुए हैं पूरे ब्रह्मांड में छा जाएंगे, पूरे ब्रह्मांड में उड़ेंगे। लेकिन जिस दिन कृष्ण से संपर्क छूट गया उस दिन 50 पैसे की भी वैल्यू नहीं रहेगी।